दोस्तों मैं विकास कोहली YouTube पे लेके आ गया हूँ टेनिस के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। दोस्तों जो काफी महत्वपूर्ण मैच था US ओपन फर्स्ट राउंड में जो माना जा रहा था वो था पाब्लो कैरेनो बूस्टा वर्सेस डोमिनिक थीम, ATP 1915 वर्सेस ATP 9211 थीम। जब से वो मॉन्ट्रियल में उन्हें 2021 में इंजरी हुई है तब से रिस्ट इंजरी हुई है तब से अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं रहे हैं। बीच में अभी थोड़े से मैचेस जीते हैं बट इस बार भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बट इन द एंड हमें विक्ट्री चाहिए थी, विक्ट्री थीम नहीं हासिल कर पाए। 2020 के वो चैंपियन खिलाड़ी हैं और देखा जाए वो US ओपन में जो आ रहे थे वो लगातार मैचेस जीते ही आ रहे थे क्योंकि 2021 में खेला नहीं था, 2020 के वो चैंपियन है। बट इस बार पाब्लो कैरेनो बूस्टा ने शानदार प्रदर्शन किया, वो 7-1 से लीड करे थे स्टैट्स में और इस बार 7-2 हो गया। थीम अभी भी लीड कर रहे हैं बट आज मैच जीते हैं पाब्लो कैरेनो बूस्टा। दोस्तों इसी रिगार्डिंग वीडियो लेकर हूँ, वीडियो में बनने से पहले एक बार फिर से ये बता दूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि सारी की सारी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सके पोस्ट में चैलेंजेस के रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रिगार्डिंग, अदर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। दोस्तों बढ़िया जब पहले सेट की और पहले सेट की शुरुआत थीम की बहुत अच्छी हुई थी, आते ही सर्विस नेम ब्रेक कर दी थी, उसके बाद लग रहा था कि पहला सेट कंट्रोल कर सकते हैं थीम बट ऐसा नहीं हुआ। पाब्लो कैरेनो बूस्टा ने जब थोड़ा गेम आगे बढ़ा, 2-0 हुआ अपना, 2-1 हुआ अपनी सर्विस नेम पे होल्ड रखा और उन्होंने फिर थीम की भी सर्विस नेम ब्रेक की, शानदार प्रदर्शन किया। एक बार सर्विस नेम फिर से ब्रेक हुई बट ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाया थीम तो जैसा कंटिन्यूसली करना चाहिए था। इन द एंड जब 5-5 हुआ उसके बाद 6-5 हुआ, सर्विस गेम पाब्लो कैरेनो बूस्टा ने ब्रेक की और 7-5 से पहला सेट जीता। थीम अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए पाब्लो कैरेनो बूस्टा के खिलाफ। थीम पहला सेट हार गए हैं 5-7 से। अगर सेकंड सेट की और बात करें तो सेकंड सेट शानदार प्रदर्शन किया पाब्लो कैरेनो बूस्टा ने, एक बार ही सर्विस गेम जीतने दी, 1-2-3 ऐसे करके प्रदर्शन करते रहे, 6-1 से सेकंड सेट जीते हैं तो शानदार प्रदर्शन किया है 6-1 से सेट जीतना। थर्ड सेट की और बात करें तो थर्ड सेट कमाल का रहा है ये वाला, क्योंकि इसमें थीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और थीम ये वाला जीते हैं। आते ही सर्विस गेम ब्रेक की थी और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, इस बार शानदार प्रदर्शन किया कि ये नहीं उन्होंने किया कि इस बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाने दिया अपने हाथों से। अच्छा प्रदर्शन इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते वो, इसलिए क्योंकि उनके पास पहले अपॉर्चुनिटीज थी, फिर से पाब्लो कैरेनो बूस्टा ने उनकी अपॉर्चुनिटी रोकी, फिर से अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, फिर से रोकी, बट इन द एंड थीम ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और 7-5 से थर्ड सेट जीता, जो पहला सेट जीते है जैसे पाब्लो कैरेनो बूस्टा वैसे ही थीम जीते, शानदार प्रदर्शन करते। दूसरी ओर देखा जाए फोर सेट में तो क्या कमाल का प्रदर्शन किया पाब्लो कैरेनो बूस्टा ने, इस बार फिर से शानदार प्रदर्शन करके थीम को हरा दिया ये वाला सेट भी और मैच जीते 6। पहला सेट तो बहुत शानदार जीते हैं वो 7-5, सेकंड सेट और ज़्यादा शानदार जीते। पहला इसलिए शानदार बोला क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे उन्होंने ब्रेक पीछे थे और आ गया है, उसके बाद सेकंड सेट में तो बहुत ज़्यादा क्लास बताई पाब्लो कैरेनो बूस्टा ने 6-1 से, थर्ड सेट हारे 5-7 से, फोर्थ सेट जीते 6-3 से, वो नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। उनका मैच होगा बबली के साथ, वो भी मैच बढ़िया होने वाला है। दोस्तों स्टैट्स को नज़र डाले तो एसीज 8 लिए हैं, दूसरी जो देखा जाए थीम ने 11 एसीज लिए हैं बट डबल फॉर्ट थीम के ज़्यादा हैं, 5 डबल फॉर्ट हैं और उनके डबल फॉर्ट 8 ही हैं और पाब्लो कैरेनो बूस्टा ने ब्रेक पॉइंट्स भी ज़्यादा सेव किए हैं एज कम्पेयर टू डोमिनेट थीम। अब थीम चाहिए कि अच्छा प्रदर्शन करे, पता नहीं जब से उनके रिस्ट इंजरी हुई है तब से वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं रहे हैं जैसे वो पहले होते थे, पहले तो वो बहुत ज़्यादा क्लास प्लेयर थे और अगर वैसा ही प्रदर्शन रहता क्योंकि जोकोविच, रॉजर फेडरर और नदाल बीच में काफ़ी देर नहीं थे, नदाल तो आ गए इस साल से बट बहुत टूर्नामेंट में नहीं भी थे तो ऐसा मोटा था कि थीम ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाते, ये नहीं है कि उनकी गैर हाजिर में अच्छा प्रदर्शन कर पाते, थीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है और थीम से तो मुझे तो क्ले कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, ले रहा था 2 बार फिनाले में आए, US ओपन में भी अच्छा प्रदर्शन किया, फिनाले में ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी आए बट पता नहीं क्या हो गया। और हम चाहेंगे टेनिस के सारे फैंस की, थीम के सारे फैंस की थीम जल्दी से जल्दी वापसी करे और हमें बढ़िया मैच देखने को मिले थीम के सारे। दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ढेर सारा प्यार देते रहो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।